पंजाब भर के सनातनी हिंदू संगठनों ने स्थानीय श्री हनुमानगढ़ी मंदिर जीटी रोड फगवाड़ा में जागो हिंदू महासम्मेलन के दौरान आपसी एकजुटता का परिचय दिया। इस दौरान समूह हिंदू नेताओं ने पंजाब और केंद्र सरकारों को खुली चेतावनी दी कि अब हिंदू समाज किसी तरह का अन्याय सहन नहीं करेगा। वक्ताओं ने कहा कि हिंदुओं की सहनशीलता का सदियों से परिचय लिया जाता रहा है। हद तो यह है कि धर्म के नाम पर भारत विभाजन के बावजूद देश की 80% से अधिक हिंदू आबादी को दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता है। पंजाब में लगभग आधी आबादी हिंदू होने के बावजूद हिंदू प्रताड़ित है। आतंकवाद के दौर में 35,000 हिंदुओं की नृशंस हत्या हुई, लेकिन किसी सरकार ने पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं दिया। अब निहंगों के वेश में गुंडा तत्व हिंदुओं के खून के प्यासे बने हुए हैं और उन्हें धर्म और राजसत्ता का संरक्षण मिल रहा है, मगर हिंदुओं की वोट के बल पर ऊंचे सिंहासनों पर विराजमान सत्ताधीश पीड़ित हिंदू समाज के साथ संवेदना के दो शब्द भी साझा नहीं करते। जिसे देखते हुए अब हिंदू समाज ने यह फैसला कर लिया है कि हिंदुओं की मर्जी के बिना कोई पार्टी सत्ता में बनी नहीं रह सकती, क्योंकि पंजाब में सनातनी हिंदू समाज पुलिस प्रशासन और सरकारों की विमुखता का शिकार है। हिंदू महासम्मेलन के दौरान 25 सदस्यीय कोर कमेटी का गठन भी किया गया। यह कमेटी पंजाब के हिंदुओं से जुड़े मसलों पर विचार करके आवश्यक कार्यवाही करेगी। फगवाड़ा से बीडी शर्मा की रिपोर्ट। जी गल है, अज जी हनुमानगढ़ी मंदिर दे विच सारे हिंदू संगठनों की एक मीटिंग रखी गई, जिदे विच पंजाब का कोई ऐसा संगठन नहीं जिहड़ा ना शामिल होया होवे। अज सानू खुशी की गल है, सानू उम्मीद सी 300 बंदा, पर 500 बंदा इत्थे पहुंचन ते अज जिहड़ा मिसाल हिंदू जागो जिहड़ी आपां ने लुधियाणे तो शुरू करी सी, लुधियाणे तो बाद अमृतसर, अमृतसर तो बाद अज फगवाड़े पहुंची आ, अगे असीं इह पठानकोट दे विच लिजा रहे हां। सानू लोकां दा इन्ना हुंगारा मिल रहा, इह तो साफ पता चलदा वी इस सरकार तो हिंदू जिन्ना पीड़ित आ ओह इक मंच ते इकट्ठा हो के इस सरकार नू जवाब देण वास्ते तलब हो गया, क्योंकि जुर्म इन्ना वध चुक्या, इन्ना ज़्यादा पंजाब के हालात खराब हो गए ने वे अज हिंदू महसूस कर लग गया। अज व्यापारी वर्ग इन्हों तो तंग है, अज आम इंसान इन्हों तंग है, अज दिहाड़ीदार तंग है, अज स्टूडेंट इन्हों तंग है। अज पता चल गया वे बदलाव जिहड़ा वो एडा माड़ा आ गया, वे इन्हू बदलन वास्ते अज हिंदू एक तट ते इकट्ठे होए ने। सानू उम्मीद है वे आने वाले पंजाब दे असी हर शहर हर जिले दे विच इकट्ठ करके हिंदुओं का एक एडा बहुमत भारी बहुमत लेके